हेलो बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में आप पढ़ चुके हो। आज के वीडियो में इस वीडियो में आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि कंटिन्यूअस टेंस के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, कंटिन्यूअस टेंस जो है उसमें क्या होता है, कोई काम शुरू मतलब प्रोसेस में होता है, रनिंग में होता है, प्रोग्रेस में होता है। जैसे वह जा रही है, खा रही है, लिख रही है, वह कार्य कर रहा है, कुछ भी कही है, रहा है, वो पहचान होती है। तो आज आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ोगे, इसकी पहचान लास्ट में यही आने वाला है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, इस टाइप की चीज़ें इसमें भी आने वाली है। लेकिन इसमें और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या फ़र्क है? कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस से सिर्फ ये अंतर आपको देखने का मिलेगा, उसमें आपको समय नहीं दिया होता है, बस में समय आपको मिलेगा और इसमें ये कार्य स्टार्ट हो चुका होता है और रनिंग में होता है, शुरू होने का समय दिया हुआ होता है और ये कार्य जो है अभी भी प्रगति में या प्रोग्रेस में होता है, बस इतना इसमें आपको अंतर देखने को मिलेगा। तो इसको जब आप देखते हो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जैसे कि अपन बोलते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं वह सुबह वह 10 मिनट से चाय पी रहा है, पी रहा है, वह 1 हफ्ते से स्कूल नहीं आ रहा है, या फिर अपन ये बोल सकते हैं कि वह पिछले 5 सालों से मेरे यहाँ पर काम कर रहा है। तो ये जो कार्य है, मतलब 5 साल पहले से उसने काम स्टार्ट किया और काम करना अभी उसका जारी है। तो ये जो प्रोसेस होती है, इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं, जैसे अपन बोलते हैं पक्षी या मेरा कबूतर है, या फिर कोई भी चीज़ है कि वो पिछले 2 घंटे से आसमान में उड़ रहा है। तो ये जो चीज़ें होती है, इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं, वो होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के। तो आज इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होगा है ना, वो क्या होने वाला है, स्ट्रक्चर जो होगा वही सब्जेक्ट जो नाउन होता है, ठीक है, हैज़ या हैव। अब होता है सिंगुलर प्लूरल का यूज करना, प्लस बीन, अब क्या लगाना है, प्लस में बीन, ओके। और फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म, वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, अपने वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ओके, प्लस आपका अदर चीज आ जाता है। ये जैसे देखो सब्जेक्ट हैज या बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर आपको क्या जोड़ना है इसके साथ, प्लस में आपको सिंस या फॉर, सिंस या फॉर ऐड करना है। सिंस या फॉर में आप कैसे ऐड करोगे कि सिंस किसके लिए करें और फॉर किसके लिए करें, इसके बारे में आपको बताने वाली हूँ, ओके। सॉरी, ये आपका हो गया अदर सिंस वाला। तो देखो सिंस या फॉर कब यूज करना है, सिंस आप यूज करते हो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ओके, जो स्पेसिफिक जो विशेष पॉइंट ऑफ टाइम होता है, निश्चित समय, उसके लिए आप क्या करते हो, सिंस का यूज करते हो। और फोर का यूज करते हो पीरियड ऑफ टाइम के लिए, कैसे, जैसे अपन बोलते हैं कि वो मेरे यहाँ पर सन 2000 से काम कर रहा है, 2000 से फिक्स हो गया, सुबह से मॉर्निंग से काम कर रहा है। तो इस टाइप का जो समय होता है, जैसे मंडे से, संडे से, ट्यूजडे से, या नाइन कोई ईयर दे दिया गया है उस ईयर से, या कोई टाइम फिक्स दे दिया गया है इतने बजे से, या फिर आपको बता दिया गया कि इतने समय से, या सुबह से लेकर है ना, जैसे सुबह से शाम से, उसके लिए आप यूज़ करती हो सिंस। और फोर्थ का किया जाता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जैसे बोलते हैं कि वह 2 घंटे से, 3 हफ्ते से, 4 हफ्ते से, इतने महीने से, इतने सालों से, तो अपने बोलते हैं तो उसके लिए यूज़ किया जाता है फोर्थ, ओके। पीरियड ऑफ टाइम ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ टाइम पीरियड ऑफ टाइम बोलेंगे तब तो फोर्थ, और वैसे आप यूज़ करोगे फिक्स स्पेसिफिक टाइम पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो उसके लिए सिंस, ओके। जैसे अपन करके देख लेते हैं, एक बता देती हूँ, हिंदी में लिखते हैं, इसका आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा, वह या नाम ले लेते हैं, चलो आपके बाद क्या नाम लू, मोहन है ना, मोहन सन मोहन 2000 से मेरी फैक्ट्री में क्या कर रहा है, मेरी फैक्ट्री में कार्य कर रहा है, ओके। मोहन साल 2000 से मेरी फैक्ट्री में कार्य कर रहा है। तो इसके लिए देखो आप क्या यूज करोगे, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है सब्जेक्ट क्या है, मोहन है, सब्जेक्ट है मोहन, तब आप यूज करोगे मोहन। फिर हैज क्या है, मोहन क्या है, सिंगुलर है, तब आप यूज करोगे हैज, ओके। फिर आप लगाना है बीन,
फिर वो आपको लगाना है वर्ब की आई एन जी फॉर्म, और फिर आपको यूज़ करना है सिंस या फोर। तो आपको देखो यहाँ पे साल 2000 दे रखा है, तब आप इसके लिए यूज़ करोगे सिंस। तो चलो बना के देख लेते हैं कैसे बनेगा ये। मोहन सबसे पहले लिखेंगे अपन मोहन, ओके। मोहन के लिए आएगा हैज बीन, ओके। कार्य करना वर्किंग, वर्किंग, ओके। मोहन हैज बीन वर्किंग इन माय फैक्ट्री, इन माय फैक्ट्री सिंस 2000। मोहन मेरी फैक्ट्री में सन या सिंस बोलते हैं, सिंस हाँ साल या सिंस ईयर 2000 बोल सकते हो, 2000 से मेरी यहाँ पर कार्य कर रहा है। ये आपका बन गया। वैसे देखो एक और जैसे सेंटेंस बना सकते हैं अपन, नेगेटिव को बनाना चाहे तो नेगेटिव में आपको क्या करना होगा, सब्जेक्ट हैज हैव प्लस नॉट ऑफिस बीन, ओके। फिर आपको बीन लगाना होगा। तो आप इसके लिए क्या करोगे, जैसे कि अभी 2000 लिखा है, अगर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ मोहन 2 हफ्ते से, तो हफ्ते से मेरी फैक्ट्री में कार्य नहीं कर रहा है, मोहन 2 हफ्ते से मेरी फैक्ट्री में कार्य नहीं कर रहा है, तब इसका क्या हो जाएगा, मोहन हैज नॉट बीन वर्किंग इन माई फैक्ट्री फॉर 2 weeks, ओके। मोहन हैज नॉट बीन वर्किंग इन माई फैक्ट्री फॉर 2 weeks। तो इस तरीके से आपका ये बन जाता है। ऐसे ही आपका इंट्रोगेटिव आ जाए, ठीक है, तो इंटरव्यू आ जाए तब आप क्या करोगे और किस तरीके से करोगे, तो आप देखिए अगर मैं यहाँ पे करती हूँ क्या है ना, क्या मोहन मेरी फैक्ट्री में 2 हफ्ते से कार्य कर रहा है, अगर इस टाइप से इसको बना दिया जाता है। तो इससे अलावा चलो दूसरा ले लेते हैं, ओके दूसरा ले लेते हैं। एक और सेंटेंस बताती हूँ कैसे, अगर आप इंट्रोगेटिव बनाते हैं तब आपको क्या करना होगा, इंट्रोगेटिव में जैसे आपको बताया डब्ल्यू एच वर्ड वाले 2 होते हैं, हाँ सॉरी इंट्रोगेटिव 2 होते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड वाला और एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला। तो डब्ल्यू एच वर्ड से और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला देखिए, सबसे पहले आप क्या करते हैं हेल्पिंग वर्ब, ओके। तो फर्स्ट टाइप में देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या है अपने पास में, हैज या फिर हैव, ओके। फिर आपको लगाना है सब्जेक्ट, फिर आपको लिखना है बीन, ओके। फिर आपको लिखना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सॉरी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ओके आईएनजी फॉर्म, और फिर प्लस में आपको करना है सेंस या फोर, ओके प्लस आपके अदर थिंग्स और क्वेश्चन मार्क, ओके। तो इसके लिए आप कैसे बनाएंगे, जैसे कि आप कह देते हैं कि राजू है ना, राजू 3 दिन से स्कूल क्यों नहीं आ रहा है, स्कूल क्यों नहीं आ रहा है या स्कूल क्यों नहीं जा रहा है, तो इस टाइप का सेंटेंस बनाते हैं। तो इसके लिए क्या होगा, सबसे पहले अपन करते हैं राजू 3 हफ्ते से स्कूल या 3 दिनों से स्कूल क्यों नहीं आ रहा है। तो राजू सिंगुलर है तो इसके लिए क्या आ जाएगा, हैज, ओह सॉरी क्यों नहीं आ रहा है बता रही हूँ मैं, गुड वेरी गुड, एक मिनट रुकना, क्या राजू 3 दिनों से स्कूल आ रहा है, फलस ये बनाते हैं, क्या राजू 3 दिनों से स्कूल आ रहा है, तो क्या आ रहा है तब क्या से स्टार्ट करते हैं, तब आप एल्बम से स्टार्ट करते हो, बस उस पर रहता है हैज, ओके। हैज सब्जेक्ट कौन है, राजू, हैज राजू बीन, ओके बीन कमिंग, बीन कमिंग, बीन कमिंग स्कूल फॉर 3 days, ये आपका गया क्वेश्चन मार्क, क्या राजू 3 दिनों से स्कूल आ रहा है, एक्टिव बन जाता है। इसी को डब्ल्यू एच वर्ड में करते हैं तब क्या होता है, राजू 3 दिनों से स्कूल क्यों नहीं आ रहा है, उसके लिए बनाते हैं क्यों नहीं आ रहा है, तो क्यों को अपन क्या बोलते हैं इंग्लिश में, व्हाई, ओके। तो डब्ल्यू एच वर्ड्स इसके साथ में क्या जाएगा, सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड, डब्ल्यू एच
वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस अब क्या है जी फॉर्म। तो राजू 3 दिन से स्कूल क्यों नहीं आ रहा है, इसको कैसे बनाएंगे? वाई सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, वाई है ना, हैज राजू क्यों नहीं आ रहा है बोलन, वाई हैज राजू नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 3 days, स्कूल फॉर 3 days, वाई हैज राजू नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 3 days। ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव, है ना, ये समझ में आया आपको? जैसे आप बहुत सारे सेंटेंस हैं, मैं आपको हिंदी भी दूंगी, आप कोशिश करना कि आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सको और आपको इसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करते हुए उनको अच्छे से क्या करना है, कन्वर्ट करना है, ट्रांसलेट करना है, खुद से नए नए सेंटेंस आपको बनाने हैं। ओके, तो इसमें कोई क्वेरीज हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, अभी के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, थैंक यू।